नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने पत्रकारों से चर्चा में बताया कि नगरीय निकाय के विकास कार्यों की समीक्षा की गई है, उसमें जो सीएमओ कार्य के प्रति गंभीर नहीं थे, जहां प्रोग्रेस नहीं थी, उनको निलंबित करने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। देखिए, जहां पर जो कमियां हैं उनको ठीक कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने काफी निर्णय लिए हैं, हमारे नगरीय निकायों की आय बढ़े, इस पर कंपाउंडिंग फीस पर, एफएआर पर हम लोग विचार कर रहे हैं। और इसके साथ साथ अब हम लोगों ने जो संपत्ति कर है उस सब को हम लोगों ने कलेक्टर गाइडलाइन से जोड़ दिया है, तो इससे भी नगरीय निकाय की आय बढ़ेगी और नगरों में तेज गति से विकास होगा। सर, कांग्रेस का आरोप है कि देखिए, कांग्रेस जितनी भी केंद्र की योजनाएं चल रही थी वो सवा साल में सारी योजनाएं कांग्रेस ने रोकने का काम किया। कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि केंद्र को इसका श्रेय मिले, अनेक योजनाओं के नाम बदले गए, और दूसरा इनके पास पैसा नहीं था, इसलिए भी सारी योजनाओं को इन लोगों ने राशि को मना कर दिया, और उस कारण से प्रदेश का सभी क्षेत्रों में विकास सवा साल में रुक गया। सर, विधायकों को 50-50 हज़ार रुपए की राशि दी जा रही है लैपटॉप के लिए, अभी कोरोना का वो है आर्थिक संकट दिया नहीं। नहीं, देखिए, ये कोई नया निर्णय नहीं है, ये बरसों से पूर्व से ये निर्णय है कि माननीय विधायक गणों को उनकी सुविधा के लिए ये पिछले 10-15 साल से व्यवस्था है, कोई नया निर्णय नहीं है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बार विधायक निधि में ये निर्णय किया, हम लोगों ने अपनी वेतन में से पैसा दिया, साथ में ये निर्णय किया कि विधायक निधि सिर्फ कोरोना के कार्यों पर ही, जो कोरोना से संबंधित कार्य हैं उन पर ही खर्च हम करेंगे। इसलिए सरकार की प्राथमिकता जो कोरोना की महामारी है उसको निपटने में हमारी प्राथमिकता है, और इसलिए वो सारा फंड हम लोगों ने उसमें करने के लिए विधायकों को कहा है। आप लोग कह रहे थे कि कर्ज माफ नहीं हुआ, अमरनाथ जी ने पेनड्राइव जारी कर दी कि ये देखिए 26.5 लाख किसान है जिनका कर्ज माफ हुआ है। देखिए, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, उन्होंने ये कहा था कि 10 दिन में प्रदेश के सभी किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ हो जाएगा, इन्होंने मात्र थोड़े से किसानों का छोटा छोटा कर्जा जो था वो भी बैंकों को पैसा नहीं दिया, सिर्फ उसको बैंकों से कह दिया कि इनका कर्जा माफ, कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक हैं, इनका कर्जा माफ किया जाता है। मुश्किल से प्रदेश भर में 2 से 3 हज़ार करोड़ से ज़्यादा का इन्हें नहीं किया, जबकि किसानों की कर्ज माफ़ी 50 हज़ार करोड़ के आसपास कर्ज माफ़ी थी, और इसलिए 10 दिन में इन्हें वादा किया था। राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में अगर किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री को हटा देंगे। 1.25 साल तक किसानों का कर्जा माफ़ नहीं हुआ, वो एक किसान का नाम बता दें जिसका 2 लाख रुपये उन्होंने माफ़ किया हो, छोटे छोटे जो 200-500 हज़ार रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये, ये इस तरह के इन्होंने माफ़ करके और ये बताने का काम कर रहा है। और अगर सीडी दे रहे हैं तो बाकी 1.25 साल के बाकी कामों की भी सीडी दे दें तो अच्छा रहेगा, अकेले कर्ज माफ़ी की क्यों दे रहे हैं? बाकी जो घोटाले हुए हैं प्रदेश में, जो भ्रष्टाचार हुआ है, उसकी भी सीडी दे दें तो अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।